सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी या वर्षा किस मंडल में होती है? जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, बादल बादल छाना, आंधी आना, वर्षा हो जाना, ये सब किस मंडल में होता है? तो देखिए, हमारा जो अर्थ है, इस पर छह मंडल है ना, इसके ऊपर कितने छह मंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से छह मंडल है। सबसे पहला जो मंडल है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल है, है ना, छह मंडल बटा हुआ। तो वायुमंडलीय घटना जितने भी घटनाएं वगैरह होगा सब क्षोभ मंडल में होगा, क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल में सब वायुमंडलीय घटना होगा। सब ताप मंडल का संबंध आपका ओजोन परत से हो जाएगा, ओजोन परत किस मंडल में है, ओजोन परत समताप मंडल में है, ठीक है। जो क्या है कि वायुमंडलीय, जैसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल समताप मंडल को माना जाता है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय घटना नहीं होगा, वायुमंडलीय घटना तो क्षोभ मंडल में हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले हमारा क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, सीमा साझा होता है, जो सीमा बॉर्डरी बनती है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? भारत और चीन, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, भारत और चीन के बीच में पूछ रहा है, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या कहोगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच में। और ऑप्शन के ऊपर नजर डालते हैं तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, देखिए रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है ना, भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ हो जाएगा। डूरंड भारत और अफगान के बीच में है, इंडिया और अफगान के बीच में है ना, अफगान के बीच में डूरंड रेखा बनता है। तो यहाँ से सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए। अगले जो हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल किस नाम से जाना जाता है ये बताना है फटाफट से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाला क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे, खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ, खरीफ फसल पहले अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो खरीफ का फसल है ये आपका जून जुलाई में बोई जाती है और काटा कब जाता है, नवंबर दिसंबर में, है ना, जून, जून से जुलाई में, जून से जुलाई में इसको बोई जाती है और नवंबर से, नवंबर से दिसंबर में इसका क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल क्या हो जाएगा, रबी फसल कौन कौन सी है, यही है गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब रबी फसल है। इसको अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है ना, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ये बताना है कि जो है रेशम अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, रेशम, रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मैसूर में है, मैसूर में। कटक का संबंध किससे है, कटक आपका चावल हो जाएगा, है ना, चावल, चावल कहाँ है, कटक में है, कटक चावल का जो अनुसंधान केंद्र है वह है आपका कटक में। मैसूर में क्या है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र आपका मैसूर में हो जाता है, है ना। आप सबको जवाब ये देना है कि कोयम्बटूर में क्या है, कोयम्बटूर में कौन सी किस चीज का अनुसंधान है, आप सबको कमेंट में जल्दी से जवाब दे देना है, कमेंट में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक शानदार वीडियो में, धन्यवाद। कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता, बताना है कि कौन सा मूल अधिकार है जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जीवन के सुरक्षा के अधिकार
कभी नहीं खत्म किया जा सकता। यही अगर इसी को आर्टिकल में आप सबसे पूछे तो आर्टिकल में 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 में ही जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। कौन सी? 20 और 21 में, हमेशा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में, फटाफट से जवाब दीजिए। तो थोड़ा स्वतंत्रता के जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से कितना 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है? जीवन का सुरक्षा, ठीक है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमने बताया कि आर्टिकल 19 से 21 में है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर संवैधानिक उपचारों की बात किया जाए तो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा एवं धड़कन, हृदय, जो भी कह लीजिए, संविधान की इन्होंने क्या क्या था, किसने, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। 21 आर्टिकल में है, आर्टिकल 31 में था, है ना, आर्टिकल 31 में संवैधानिक, आर्टिकल 31 में नहीं, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार कितना था? 7 अधिकार थे, जिसमें से अब वर्तमान में 6 अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 अधिकार है। 7वां अधिकार कौन था? संपत्ति के अधिकार था, जिसको अब हटा करके उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, ठीक है, कानूनन अधिकार बनाया गया है। तो ये रहा हमारा, ठीक है। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता है, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद करना चाहिए, है ना, आप सबको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो UNO, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये फटाफट से जवाब देना है। कहाँ है भाई, कमेंट करके बताओ, कमेंट में हमें बताओ इसे, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। तो अगर बात आ गई संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय की, तो इसका डिटेल से समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बारे में डिटेल से अच्छे से समझते हैं, समझदारी से, है ना। देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किया जा रहा है, क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। एक चीज बातें और ध्यान में रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जो है योगदान डाला गया है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। अगर इसके स्थापना की बात करें जाए तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आपने देख लिया। स्थापना के समय जो था, एक कॉमन देश इसका सदस्य था, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ पे दिख रहा है ना आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस जब इसको स्थापना हुआ था तो इसमें एक कॉमन देश सदस्य था, एक कॉमन, वर्तमान में 193 देश सदस्य है। 193 यानी कि लास्ट देश कौन सा है, तो वो है आपका दक्षिणी सूडान, है ना, दक्षिणी सूडान है, ठीक है। भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था, तो भारत देखिए 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यू, क्या, UNO, UNA में सम्मिलित हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने भी संयुक्त राष्ट्र से बन सकते थे बनाया, आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा, इसका मुख्यालय पूछा, है ना, आपसे मुख्यालय पूछा, कमेंट में बताओ इसका मुख्यालय कहाँ होगा, जवाब देना है, ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा आरबीआई से है कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल जो है
वो कौन है ये बताना है, कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल है। अब जब आरबीआई की बात आया तो आरबीआई से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता था, इंपोर्टेंट, उस सभी के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, है ना। तो आइए उससे पहले और इसी में जान लीजिए ऑप्शन के बेसिस पर। तो ऑप्शन में जो ये रघुराम दास हैं, रघुराम राजन और उर्जित पटेल, ये दोनों क्या है, ये दोनों आरबीआई के ही गवर्नर जनरल थे, बट ये शक्तिकांत दास से पहले थे, है ना। ये दोनों आरबीआई के गवर्नर जनरल बने थे शक्तिकांत दास से पहले, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास है। निर्मला सीतारमन कौन है जी, निर्मला सीतारमन कौन है, ऑप्शन में यहाँ पे बी आपको दिख रहा होगा, कौन है निर्मला सीतारमन, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो निर्मला सीतारमन कौन है, तो ये है वित्त मंत्री, भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री है, है ना, वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताए कि जब हम बात कर ही रहे हैं किसका किसका बात कर रहे हैं, आरबीआई की, तो आरबीआई के ऊपर नजर डालते हैं क्या है, देखिए आरबीआई से यहाँ देखिए, चलिए ए रहा हमारा आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से हम लोग कुछ इंपोर्टेंट जान लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुआ आरबीआई के, तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1945 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1945 को क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई के मुख्यालय मुंबई में। देखिए जो 1 अप्रैल 1945 ईस्वी को जो आरबीआई की स्थापना हुआ ये कोलकाता में हुआ था, है ना, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। इसकी मुख्यालय मुंबई में है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अगर इसके वर्तमान गवर्नर जनरल जो कि आपने क्वेश्चन में देख लिया कि कौन थे, शक्तिकांत दास हैं वर्तमान गवर्नर जनरल, है ना, ठीक है। अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए, पूछ दे कि इसका आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सर ओसमान स्मिथ, कौन, सर ओसमान स्मिथ जी हो जाएंगे। आरबीआई से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई क्या है, और इसके जो होगा आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक नीति की घोषणा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति के घोषणा किया जाएगा, है ना। आप सबको कमेंट भी देते चलना है, जो चीज़ें आप सबको ना क्लियर हो या जवाब पहले से आए तो हमें फटाफट से कमेंट करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप कितने क्या कर पा रहे हो। नेक्स्ट, और हाँ कमेंट में ये भी आप लोगों को बताना है कि जो है आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया और किस लेवल का क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर के आए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगला है कि बिहार दिवस जो है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये जवाब देना है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, फटाफट से। मुझे लगता है कि इसका जवाब आप सबको भली भांति से पता होगा, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कब मनाया जाएगा बिहार दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट होगा, 22 मार्च को क्या होता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। अब अगर बिहार दिवस की बात आ ही गया है तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ। देखिए क्वेश्चन लोग कंफ्यूज करवाते हैं कि बिहार से बंगाल अलग हुआ, नहीं, बंगाल से बिहार अलग हुआ है 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसीलिए 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस मनाया जाता है। अब बिहार से दो स्टेट और अलग हुआ, एक तो हुआ झारखंड और दूसरा हुआ उड़ीसा, तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो बिहार से अगर उड़ीसा की बात किया जाए ना, उड़ीसा, तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है आपका 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। अगर बिहार से आप देखेंगे इसका झारखंड को कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो ये अलग हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को
15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 को अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा 1936 को अलग हुआ, और बिहार से ही झारखंड 2000 ईस्वी को अलग हुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से और कोई ऑप्शन पर डाले तो ऑप्शन में ऐसा कोई खास है नहीं, आप सबको कमेंट में बताना है, ये बताना है कि आपको कि 22 जून को जो है कौन सा डे मनाया जाता है, 22 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, ये बता देना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगले टॉपिक क्या है हमारा कि क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र जो है किसको देगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा, ये बताना है, किसको संबोधित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होगा वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति को कौन कौन त्याग पत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, हमारा प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा, ठीक है ना। और बाकी जो उपसभापति होगा, उपसभापति ऑप्शन नंबर सी किसको देगा, तो ये देगा अपना सभापति को, ये अपना सभापति को ये अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है। बाकी सब जितने भी होंगे, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब आपका त्याग पत्र जो राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे, ठीक है। और राज्यसभा की बात आया तो राज्यसभा आर्टिकल किस में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, ठीक है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। राज्यसभा वरिष्ठ नागरिकों का सभा कहा जाता है। राज्यसभा के बारे में डिटेल से जानना है तो कमेंट करना, इसके बेसिस पर हमारा वीडियो आपको यूट्यूब में पड़ा मिल जाएगा, ठीक है। अगली हमारा कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलता है। अलकनंदा जो नदी है वो भागीरथी नदी, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम पूछ रहा है, इन दोनों का संगम कहाँ है, संगम कहाँ मिलता है, दोनों ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका देवप्रयाग में। अलकनंदा जो है भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलता है। आप सबको कमेंट में जवाब देना है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है, रुद्रप्रयाग में किस किस नदियों का मिलन होगा, कमेंट में जवाब देना है, फटाफट से जवाब देंगे कमेंट में रुद्रप्रयाग का। अगर आप सबको पता है तो कर्णप्रयाग और साथ में विष्णुप्रयाग के भी बारे में जानकारी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। इन सब के बेसिस पर हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, है ना, पार्ट 2 का वीडियो जो आएगा उसमें डालेंगे, ठीक है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 रहा। नेक्स्ट अगले हमारा क्वेश्चन है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट से जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहोगे कि ये तो बड़ा आसान है, ये जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है वो है यादव पायेंग जी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है, तो ये वाटरमैन के नाम से जाना जाता है इनको, वाटरमैन, है ना, वाटरमैन के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। मारे मुथु योगनाथ को किस नाम से जाना जाता है, इनको टी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, टी मैन, ठीक है, टी मैन ऑफ इंडिया मारे मुथु योगनाथ को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुना, ऑप्शन नंबर ए पर नजर डालें तो जो सुंदरलाल बहुगुना है इनको, इनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। अब मुझे नहीं लगता कि चिपको आंदोलन के बारे में आपको डिटेल से बताने की जरूरत है, आप सबको पता होगा चिपको आंदोलन क्या था, है ना, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है जनगणना से कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए सभी तरह के एग्जाम में हमारा जो जनसंख्या जनगणना वाला क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप सबको पढ़ना चाहिए। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य पूछे तो वो हो जाएगा अपना बिहार, बिहार हो जाएगा सबसे ज्यादा घनत्व वाला, ठीक है, घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाएगा,
बिहार का हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर नजर डालें बिहार पर कि बिहार जो है जनगणना के 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो बिहार ही है। बिहार में महिला साक्षरता भी सबसे कम है और पुरुष साक्षरता भी बिहार का ही कम है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या के बारे में पूछे, जनसंख्या किसका हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वही ऑप्शन नंबर डी केरल पर नजर डाले एक नजर, तो जो केरल राज्य है सबसे अधिक शिक्षा वाला हो जाएगा राज्य, सबसे अधिक शिक्षित राज्य तो हो जाएगा आपका केरल। केरल का महिला शिक्षा दर और पुरुष का भी साक्षरता दर यहीं का सबसे ज्यादा है, है ना, केरल सबसे ज्यादा साक्षर वाला स्टेट अपना राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा क्या कहलाता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा जो है वो भारत में क्या कहलाता है, फटाफट से आप सबको जवाब देना है, क्या कहलाएगा, तो ये आपका लू कहला, क्योंकि भारत है ना तो भारत के जो गर्म हवा है उसको लू कहा जाता है। लू यानी कि जैसे हम लोग लू को ही लूक कहते हैं, है ना, हम लोग पूरा नाम लूक जानते हैं, या हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको लहर कहते हैं, गर्मियों के दिनों में जो लहर कहते हैं ना, लहर चल रहा है, तो वही होता है गर्मियों के दिनों में हमारे भारत में जो गर्म हवा होती है उसको लू के नाम से जाना जाता है, लू के नाम से। ठीक है भाई, और आगे बात किया जाए चिनुक की, तो चिनुक क्या है, एक नजर चिनुक के ऊपर डाल लीजिए। चिनुक जो है अमेरिका एवं कनाडा में चलने वाली गर्म हवा है, कहां अमेरिका, अमेरिका एवं कहां कनाडा, अमेरिका एवं कनाडा में चलने वाली गर्म हवा कौन सा है, चिनुक के नाम से वहां जाना जाता है, भारत में लू के नाम से जाना जाता है। अगर सिमुस की बात करें, ऑप्शन नंबर बी पर नजर डालिए, सिमुस क्या है, तो सिमुस हो जाएगा आपका, यह अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है, अरब के रेगिस्तान में, ठीक है, अरब के रेगिस्तान में जो चलने वाली हवा गर्म हवा होती है उसको सिमुक, अमेरिका और कनाडा में चलने वाला को चिनुक, भारत में चलने वाले को लू, और ऑप्शन नंबर डी हरमटन क्या है, तो हरमटन जो है ना ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली हवा है, कहाँ से, सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की दिशा में चलने वाली हवा आपका हरमटन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सबके लिए लेकर के हम आए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगले क्वेश्चन हमारा नहीं है, आज के लिए इतना ही समाप्त है, फिर मिलेंगे एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और बताएं कि आपके क्वेश्चन जो है कैसा लगा।